हाय, अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ, एक वेब पोर्टल जो हमने अभी लेटेस्ट बनाया है, कि है टीम को थोड़ा हेल्प मिलता है, लाइक फाइल को ड्राइव में ओपन करना या लाइक फाइंड आउट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इस बेस पे हमने एक सिस्टम बनाया, मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन कैसे होगा। तो राइट, मैं IMR में गया, तो आपको इस तरह का एक व्हाट्सएप पे इस तरह का एक URL आएगा, ये मैंने वैसे ग्रुप में ही डाला हुआ है। इसको आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे आपकी इस तरह की एक साइट ओपन हो जाएगी। ये साइट स्पेशली क्या है, ये साइट सिर्फ वो बंदे ही देख सकते हैं जो इस ग्रुप में इंटरनल है, लाइक जिनके पास IMR की ID है, वो डोमेन की ID है, वो इस साइट को देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। और देख, उसके अलावा जितने भी पर्सन है जिनको कंसर्न फाइल मैंने शेयर की हुई है एडिटिंग पर्पज पे, तो वो एडिटिंग कर पाएंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं देख पाएगा, सिर्फ ये देख पाएगा जो मैं अभी दिखा रहा हूँ टेक्स्ट। राइट, मैं बात करता हूँ पहले ऑर्डर प्रोसेस की। तो ऑर्डर प्रोसेस के रिगार्डिंग, परचेज ऑर्डर का फॉर्म कैसे फिल करना है वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर फॉर्म ओपन हो जाएगा। राइट, सेल्स ऑर्डर वाला, ये परचेज ऑर्डर का है, परचेज ऑर्डर का फॉर्म फिल करेंगे आप इसमें। यहाँ पे परचेज ऑर्डर का फॉर्म फिल करते ही वो यूजर के डेस्क सिस्टम पे दिखेगा। यूजर अपना परचेज ऑर्डर को देख के, उसकी इमेज को देख के, यहाँ पे ये, सॉरी, ये रिस्पॉन्स है, जो भी परचेस ऑर्डर डालेगा वो अपना रिस्पॉन्स यहाँ पर देख सकता है। उसके बाद है SQ वाइज, जो एंट्री करता है हमारा एग्जीक्यूटिव परचेस ऑर्डर को देखकर, वो SQ वाइज एंट्री कैसे करेगा। तो ओके, तो यहाँ पे आप SQ वाइज पे क्लिक करेंगे, तो सिंपलर वही कॉन्सेप्ट कि जो भी हमने डेटा फिल किया होगा वो डेटा हमारे को यहाँ पे दिखेगा। राइट, तो अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ डेटा हमारा, अभी हमारे यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है जो हमने ऑर्डर प्लेस किया हो। तो मैं अभी आपको लेटेस्टली वो करके दिखा देता हूँ कि कोई अगर मार्केटिंग टीम हमारी, जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दीक्षित मेहता जी ने एक ऑर्डर प्लेस किया इस पार्टी का, PO नंबर मैंने डाल दिया PO 12345, डिलीवरी देनी है इनको 30 तक, अगर कोई कॉपी है तो वो अटैच कर सकते हैं, ऑब्वियसली अगर मल्टीपल SKUs है तो उसकी कॉपी ही आएगी हमारे पास। मैंने अटैच कर दिया एंड अपलोड कर दिया। मैंने यहां सबमिट किया। राइट, ये सबमिट कर दिया। मैं आता हूँ परचेज ऑर्डर में, तो देखिए जैसे ही मैंने वो फॉर्म सबमिट किया तो मेरे यहाँ पर PO आ गए। मैंने PO नंबर क्या सबमिट किया था, PO नंबर सबमिट किया था PO नंबर 12345। राइट, तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं देखूंगा कि मुझे अभी ऑलरेडी इतने सारे PO हैं जो मुझे अभी बनाने हैं, जो मैंने अभी नहीं बनाए। राइट, तो मैं उन PO पे वर्किंग करनी शुरू करूंगा। किस हिसाब से, मैं PO नंबर 1 देखूंगा, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा अपना मेरी डेट, IMR का यूनिक ID क्या है वो आप देख रहे हैं, ये रही, यहां से मैंने कॉपी किया, कंट्रोल शिफ्ट V दबा के यहाँ पेस्ट कर दिया। राइट, वेंडर का PO क्या है, वेंडर का PO यहां से मैंने कॉपी किया एंड देन कंट्रोल शिफ्ट दबा के पेस्ट कर दिया। क्लाइंट का नेम क्या है, क्लाइंट का नेम आ रहा है एमर्सन। यहाँ पे मैं आपकी टास्क क्लाइंट्स की नेम की फाइल लगा दूंगा, तो आपकी जगह भी मैं नॉर्मली कर देता हूँ, ये आ गया। राइट, तो अभी मैंने यहाँ पे किया एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या है, तो जो उस पर्सन ने पूछा वो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट आप यहाँ डाल सकते हैं, लाइक उसने बोला था 30/10, जो भी आपको यहाँ दिख नहीं रहा है इस वाले पोर्शन में, वो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा अभी। वैलिड डेट, ओके, मैंने डबल क्लिक किया, मैंने डेट ले ली। राइट, अभी मैं आपको बताना है कि सपोज उसने मुझे ये प्रोडक्ट, मैं बोला था कि मुझे इन इन प्रोडक्ट की और इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। राइट, कितने केजी की है, सपोज इसकी है इतनी और इसकी है इतनी, आप देखेंगे ओके हो गया, मैं यहाँ पे जाके इसको सबमिट कर दूंगा। तो जो नॉर्मली क्या था, एक एक SKU को फिल करने के लिए एक ही फॉर्म को मल्टीपल टाइम फिल करना पड़ता था, अब वो नहीं होगा, एक ही फॉर्म फिल करना और उसका ऑटोमेटिकली कोड है वो जनरेट हो जाएगा। राइट, अभी देखिए हमने 30 नंबर, 3 नंबर का PO बना दिया, तो 1 और 2 पेंडिंग है, 3 नंबर का हट गया। राइट, अभी हम जा रहे हैं
बावस वेबसाइट में अब हम बात करते हैं इस पे डिस्पैच की, कि सपोज मुझे इस ऑर्डर के रेफरेंस में डिस्पैच करना है अगर मुझे कुछ, तो मैं क्या करूँगा, जो भी मैंने पीओ बनाए थे उस पीओ वाली फाइल से एसक्यू वाइज, वो पीओ मुझे यहाँ दिखेंगे, और वो पीओ तब तक दिखेंगे जब तक मैं उन पीओ को 100% डिस्पैच नहीं कर देता या क्लोज नहीं कर देता। अब जैसे मैंने सपोज करो ये वाला पीओ सिलेक्ट किया, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सारा डेटा रिट्रीव होकर आ गया कि इस पीओ का इस क्वांटिटी पे ये ऑर्डर आया था। अभी मैंने यहाँ पे फिल किया 233 मैं इसका डिस्पैच कर रहा हूँ, और 3456 मैं इसका डिस्पैच कर रहा हूँ, राइट। मैं यहाँ पे आके इसको सबमिट करूंगा, तो आप देखेंगे जैसे मैं सबमिट करूंगा मेरा ये डेटा सारा अपडेट हो जाएगा बैकएंड में। राइट, ये डेटा मेरा अपडेट हो गया, और देखेंगे आप यहाँ से ये ब्लैंक हो गया, दैट मीन्स मेरा लास्ट एक्सेस जो मैंने लिया वो अपडेट हो गया। अभी मैं चलता हूँ एफएमएस में, ऑर्डर प्रोसेसिंग में। तो क्या नॉर्मल है क्या ये तीनों चीजें, चारों चीजें आपस में कनेक्टेड है? पहले ऑर्डर आएगा, फिर ऑर्डर से एसक्यू वाइज एंट्री होगी, अगर एसक्यू वाइज एंट्री हुई तो ऑब्वियसली डिस्पैच भी एसक्यू वाइज होगा, और ये एफएमएस जो ऑर्डर प्रोसेसिंग है वो ऑटो अपडेट होता रहेगा। आप यहाँ पे देखेंगे अभी जो भी हमने परचेज ऑर्डर की एंट्री की है वो एंट्री हमको यहाँ दिखेगी अभी। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक मैंने स्क्रिप्ट एक्टिव नहीं किया हुआ है। ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रिप्ट आ गया, मैंने इस पर कर दिया अपडेट रिकॉर्ड्स। तो नॉर्मली मेरे जितने भी पीओ बने हैं और जितनी मेरी डिस्पैचिंग हुई है वो सारी यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देगा। अब यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है कि ये पीओ आया था, पीओ नंबर सिंपल सबका देखिए सेम है दोनों एसकेयूज का, ये पीओ आया था उनकी ये क्वांटिटी कितना डिस्पैच कर दिया, तो हमने प्रॉपर डिस्पैच कर दिया, तो दैट मीन्स पेंडिंग कितना है, तो एक ऑटोमेटिकली पेंडिंग रिपोर्ट बनती है। यहाँ पे देखिए इस पार्टी का, इस एसकेयू का इस डे डिस्पैच करना था, इतनी क्वांटिटी का ऑर्डर था, इतना हमने डिस्पैच कर दिया, पेंडिंग हमारी जीरो। तो सिंपल रिपोर्ट है ये, सारी आपस में कनेक्टेड है, सिस्टम सिंपल सिंपल चलते रहेंगे तो सारी चीजें यहाँ पे अपडेट होती रहेंगी, राइट। अपडेट की एंट्री कैसे करनी है, नॉर्मल वही साइट के थ्रू। तो ये साइट हमने इसलिए बनाया है, जो भी हम नया सिस्टम बनाएंगे साइट पे अपडेट होता रहेगा विद नेम, और वो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। सेल्स लीड फनल को जो हमने अपडेट किया वो सेल्स लीड फनल का सारा डेटा भी आपको यहाँ दिख रहा है, देख पा रहे हैं। ये सिंपल मोबाइल में बहुत अच्छा ओपन होता है, अगर आप मोबाइल पे किसी को एग्जीक्यूट करना हो तो बहुत इजीली कर पाएंगे। ये सिंपल सारी रिपोर्ट मोबाइल पे भी सेम दिखती है। थैंक यू।